देखिए भाई, हम परेशान हैं। कॉल से हम कोशिश कर रहे हैं जानने की क्या वजह रही कि उसको सील किया गया, और वो भी एक वर्बल ऑर्डर की ऑर्डर हुआ है, तो रिटन ऑर्डर नहीं हुआ उस बारे में। हमारा मेन कंसर्न ये था कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सरकार है, इनके जो खोखले दावे हैं कि ड्रग अब्यूज के रिलेटेड हम ये प्रोग्राम करवा रहे हैं, वो प्रोग्राम करवा रहे हैं, बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ, एक्टिविटीज की तरफ ले जा रहे हैं, जबकि यहाँ उल्टा हो रहा है। इकलौता बैडमिंटन कोर्ट है पूरे चिनाब वैली में, जहां पे करीब करीब मेरे हिसाब से जो हम लोग भी वहां पे जाते हैं और भी बच्चे वहां पे जाते हैं, करीब करीब 100 के लोग करीब बच्चे वहां पे रोज खेलते हैं, सुबह 5 बजे से लेके 8 बजे तक। उसके बाद स्कूल का टाइमिंग है वहां पे, और फिर शाम को स्कूल के ऑफ होने के बाद 4:30 से लेके रात को 9 बजे तक। अब जो बच्चे उससे कनेक्टेड थे, स्पोर्ट्स से कनेक्टेड थे, गेम से कनेक्टेड थे, उनको बिना इन्फॉर्म किए या उनको बिना कॉन्फिडेंस में लिए एक तुगलकी फरमान डीसी साहब ने जारी कर दिया और ये बोल दिया कि इसको सील कर दो, और उसको इमीडिएटली सील किया गया। हमें कम से कम कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, सभी जो प्लेयर्स हैं, जो भी इन्वॉल्व हैं इसमें, उनको सबको कॉन्फिडेंस में लेके जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सॉर्ट आउट हो सकती हैं आफ्टर डिस्कशन विद एवरीबॉडी, वो सॉर्ट आउट की जा सकती थी। लेकिन इनका जो ये एक ब्यूरोक्रेटिक रवैया है कि इनको जो पसंद आए वो करिए, जहां मर्जी आए वो कीजिए, जो कोई जगह कहीं पे इनको पसंद नहीं आती कि यहां से गाड़ी निकले वहां पत्थर लगा देते हैं, कहीं पे कुछ लगा देते हैं, मतलब टोटल ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है और एक एरोगेंट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे चल रही है। अभी तो हम कह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कि आहिस्ता आहिस्ता स्पोर्ट्स की तरफ, क्योंकि बीच में आपने देखा होगा मिलिटेंसी का दौर आया था, स्पोर्ट्स एक्टिविटी कंप्लीटली खत्म हो गई थी चिनाब वैली में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वापस बच्चे उसकी तरफ आ रहे थे। और खासकर ये जो ड्रग्स का इशू है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ड्रग्स को खत्म करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चों को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व किया जाए, और एक ही फैसिलिटी को इन्हें बंद कर दे। एक फैसिलिटी और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फैसिलिटी यहाँ पे बन रही है स्पोर्ट्स की, इंडोर स्टेडियम, जो कि हम पिछले 10 साल से सुन रहे हैं कि बनेगा, लेकिन वो इतना टाइम क्यों ले रहा है, उसमें फंडिंग क्यों नहीं हो रही है। मैंने कंसर्न जो डिपार्टमेंट है, जो कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटिव एजेंसी है उसकी, उनसे भी बात की, वो कह रहे थे हमें फंड्स की प्रॉब्लम है, फंडिंग नहीं हो रही है। अगर यही चीज किसी बड़े शहर में, जम्मू में, श्रीनगर में बन रही होती तो क्या वहां भी इतना 10 साल लगते हैं इस चीज को बनने में? लेकिन यहाँ के लिए ये डीसी साहब, ये तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर का काम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम है कि वो फंड्स को लाए और अपने अंडर जितने भी उनके प्रोजेक्ट्स हैं डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट रिलेटेड वो टाइमली कंप्लीट हो। लेकिन मुझे ये जवाब दे देंगे कि इसकी कंप्लीशन डेट क्या थी और ये कितना डिले चल रहा है, कितने साल हो गए इसको। वही मैं कह रहा हूँ, इनके खोखले दावे हैं, ये जो फोटो खिंचवाने के लिए वो प्रोग्राम्स होते हैं, फिर वहां पे पीछे बैनर लगता है, वो फोटो खींचे जाते हैं कि ड्रग अब्यूज के रिलेटेड हमने ये प्रोग्राम किया, लेकिन जो एक्चुअल इनने ग्राउंड पे करना है वो कुछ नहीं हो रहा है। ग्राउंड पे तभी होगा जब आप बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे और उनको वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे। अब इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास बन रहा है लेकिन आपने कभी भी उस पर कोई, हमने सुना है मीटिंगों में डिस्कशन होती है लेकिन वो मीटिंगों तक ही सीमित रह जाती है। ऑन द ग्राउंड क्या होता है वो आपके सामने है कि कितना टाइम हो गया कि वो फैसिलिटी अभी तक तैयार नहीं हो पाई है। तो जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लेनी पड़ेगी, सरकार को लेनी पड़ेगी, अगर ये लोगों को एक बनी बनाई चीज, एक रूटीन का प्रोसेस था जिसमें लोग दिन ब दिन इन्वॉल्व होते जा रहे थे, अगर ये उससे भी महरूम कर देंगे लोगों को तो ये इनको जिम्मेवारी अपने सर पे लेनी पड़ेगी कि इनकी वजह से हुआ है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ये सरकार जिम्मेदार होगी उसकी। क्या कुछ कहना चाहोगे? मेरी यही इल्तिजा है डीसी साहब से कि फौरन इस इशू को सॉल्व किया जाए। बैडमिंटन कोर्ट आपने किस वजह से सील किया है, आपने रीजन नहीं बताया अभी तक, हम वो रीजन भी जानना चाहते हैं क्यों सील हुआ। अगर कुछ इश्यूज हैं वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के या कुछ ऐसे इश्यूज, वो आप डिस्कस कीजिए सब लोगों के साथ, जो भी पार्टीज इन्वॉल्व में है उसमें, और दैट कैन बी सॉर्टेड आउट। कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप सॉर्ट आउट नहीं कर सकते।